मेरा कहने का मतलब ये पैसा उतना नहीं चाहिए जिसमें अपने शौक वगैरह पूरे हो जाए, उसके अलावा पैसा जितना भी है वो फुल दे। कौन सा प्लेस है? टूरिस्ट। मेरे को तेरी बात भी बोल करनी थी वो वाली, जब तूने कहा था ना कि भाई हाँ भी बोल देता हूँ। देखिए मेरे हिसाब से लॉकडाउन एक बहुत अच्छी प्रथा है, 2-3 साल तक और चल लीजिए, क्योंकि उससे मेरे इससे क्या है ना मेरी 12वीं हो जाएगी और मेरे चक्कर में ये भी नहीं, मैं स्वार्थी हूँ, मेरे चक्कर में और कई बच्चे होंगे जो पास होंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये 2-3 साल और चले। 2 साल में तेरा काम हो जाएगा? 2-3 साल, 2-3 साल तुरंत निकल जाए स्कूल, दफा दफा हो जाए बस, उसके बाद मैं देख लूंगा। मतलब आप ये बंदे कह रहे हैं कि बस मेरी 12वीं तक ही चले लॉकडाउन, एक बार ये टैग हट जाए दिमाग से, फिर मैं अपना वगैरह देख लूंगा, अपना आप मैं देख लूंगा, या फिर तो मैं उसके बाद पॉलिटिक्स में जाऊंगा। मैं आई लाइक पॉलिटिक्स, मेरे को बहुत पसंद है। अगर मेरे को पॉलिटिक्स में कहीं जगह नहीं मिली तो मैं बॉम्बे जाकर किसी शो वगैरह में पीछे काम जैसे हो जाते काम, मैं वो काम करना चाहूंगा। तो उसमें क्या करेगा तो फिर? जैसे कपिल शर्मा शो में होते हैं कुछ डायरेक्टर वगैरह, या फिर उसके क्रू में कोई काम मिल जाए पीछे, शो भाई सैटर्न का सेट करना, मेकअप आर्टिस्ट हो नहीं। ये कौन सी जगह यार? एक मिनट, मैं सोच रहा था मैं बताऊंगा लेकिन ये बताएगा भाई कौन सी जगह है? ये सूर्य कुंड है, ये अभी नवा बना है, अभी इसमें पूरा काम नहीं हुआ है। हाँ, दैट्स अ टूरिस्ट प्लेस। ये कह रहा है यहाँ का अभी आने वाला ही टूरिस्ट प्लेस है, अभी मतलब नया कुछ बन रहा है यहाँ पे, ये पूरा नहीं हुआ है, आधा बना है ये। अभी शुरू हुआ है मेरे ख्याल में, नई जगह बनी ना इन्होंने? हां नहीं बनी है भैया, पहले तो खाली ग्राउंड था, अभी आगे वहां पर एक पूल का काम चल रहा है, यहां पर लाइट बन रही है देख सकते हैं आप। ये लाइट ना पूल बन रहा है यहां पे? नहीं पूल, पूल बन रहा है, ट्रेन का पूल बनेगा यहां पे। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर ये लोग सरदार लोग रोज बास्केटबॉल खेलते हैं, एक गेम पता क्या उस पगड़ी का सरदार है ना, हमको खिला लेगा ये? नहीं खिला तो लेगा। यार मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे इधर पास में जो ये एरिया है ना ये वाला, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे डेली आते हैं, तो मैं सोच रहा था कि ये खेल लें थोड़ा बहुत, तो मैं कभी मना कर दे बेइज्जती हो जाए, क्यों ना गंदी झंड हो जाएगी बहुत, इससे अच्छा हम जाते ही नहीं, इसलिए हम पूछेंगे, अगर हमने पूछ लिया उन्हें खिला लिया फिर हमें खेलना है, फिर और भी गंदी झंड। पॉइंट, लड़का बहुत सही कह रहा है, क्या समझ गए ना आप, छोड़ो बस। हमसे होता ही नहीं, डॉक्टर गुलाटी का डायलॉग एकदम सही है, हमें आता ही नहीं है। तो भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली है। हाँ नोनू यार, मतलब ये मुझे बड़ी पर्सनली अच्छी लगी एट दिस एज। मेरा कहने का मतलब ये पैसा उतना नहीं चाहिए जिसमें अपने शौक वगैरह पूरे हो जाए, उसके अलावा पैसा जितना भी है वो फुल वेस्ट है, बट टैक्स समझ आया तेरे को? अपने शौक पूरे होने चाहिए जितना हमें, अब चाहे वो स्कूटर का हो चाहे वो फिर कार का बहुत शौक है मेरे को। अच्छा, ट्रेन का? गाड़ी तो लूंगा। नहीं ट्रेन नहीं चाहिए मेरे को, फिर तो मैं नौकरी कर लूंगा सरकारी। ट्रेन का आएगा तो। मतलब ये है, ये इसका लड़के का है भाई कि गाड़ी तो लेनी चाहिए, तो जल्दी गाड़ी ले फिर। गाड़ी तो कर लूंगा। ठीक है, तो बस अब ज्ञान ज्यादा नहीं, चलो भाई भाई यही बता दो, बाकी मजाक मस्ती चलती रहेगी। बाय बाय बाय, नमस्कार।